15 लाख रुपए की फिरौती के लिए किए गए बच्चे के अपहरण कांड का खुलासा दिनांक 25 दिसंबर को किया गया, जिसमें बताया गया कि फरियादी दामोदर पुत्र रामजी लाल यादव उम्र 40 साल निवासी भावखेड़ी ने थाने आकर रिपोर्ट की कि मेरे भतीजे नरेंद्र यादव का लड़का उम्र 6 साल निवासी भावखेड़ी का अपहरण किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा दिन में 3 बजे लगभग कर लिया है। कहीं कोई पता नहीं चला, तब फरियादी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया। बच्चे को अगवा करने के बाद आरोपी ने उसे मार में स्थित सरसों के खेत में रखा था एवं आरोपियों ने बच्चे के परिजनों को फोन करने के लिए एक फर्जी सिम की व्यवस्था की हुई थी। इस अपहरण कांड में उक्त दोनों आरोपियों के अलावा एक आरोपी और सम्मिलित था, जो गांव में रहकर गांव में होने वाली हर हरकत की सूचना मोबाइल के द्वारा इन तक पहुंचा रहा था। पुलिस ने इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। परिवार के लोगों ने आपस में बात की, उनके रिश्तेदार यहाँ शिवपुरी के रहने वाले थे, उनके माध्यम से ये बात आई और उसके बाद उनकी बहुत सेंसिटिव मैटर था, यहाँ सारी टीमें रवाना हुई और पहले उनकी कुछ इस तरह का जब उन्होंने लोकेशन दी तो एक बात समझ में आई कि कहीं ज़्यादा दूर से फोन नहीं किया गया है, तो आस पास की घेराबंदी उसकी की गई पूरे क्षेत्र की और सिविल में ही ज़्यादातर लोगों को लगाया गया था ताकि किसी तरह कोई आदमी हो, और ऐसा लगा कि चूंकि किन लोगों द्वारा किया गया था, कहाँ से किया गया था और बच्चे कैसे का मिल गया कि नहीं मिला? बच्चा मिलवाया साहब, एसपी साहब ने बच्चा मिलवा दिया। कहाँ से मिला, कैसे मिला? मैं सब ये सड़क पर ही, वहाँ पर ही प्रशासन में मैंने जाकर बेनजानी ताने कही तो बिन सूचना दी तो बिन जो प्रशासन के आदमी थे उन्होंने मिलवा दी। हाँ पुलिस कोई मांगी थी साहब? कोई डिमांड वो नहीं, चाचा के पास फोन आया। हाँ चाचा ने क्या बोला? चाचा ने मुझे फोन लगाया कि अरियोम को देखना, फिर बच्चे को देखना घर पे आएगा क्या? तुमने ढूंढा बच्चे को? मिला के नहीं मिला? बच्चा ढूंढा था आपने? ढूंढा बच्चे को? ढूंढा था बच्चे को, कहा कहते हैं ढूंढा, गाँव में नहीं मिला। फिर तुमने पुलिस को बताया? फिर पुलिस को बताया? फिर पुलिस को बताया था। कब मिल गया बच्चा आपको? बच्चा मिल गया। क्या नाम है आपका? नरेंद्र यादव। सर ये जो बच्चे का अपहरण हुआ था उसमें जो आरोपी पकड़े गए हैं, सर क्या कुछ पूरा मामला है? ये 25 दिसंबर को एक बच्चे को दोपहर में गांव से थाना सिरसों क्षेत्र से ले गए थे और एक फोन कॉल उसमें आया था कि पैसे दे दोगे तो हम छोड़ देंगे, नहीं तो बच्चे को कुछ भी हो सकता है। इस पर से सूचना जब थाने को मिली तो प्रकरण पंजीबद्ध किया 364 का और सारी घेराबंदी इसमें बहुत अच्छे से की गई थी और जहाँ तक सिविल क्लास में लोगों लगाए गए थे। फाइनली एक एक व्यक्ति को जब चेक किया गया तो हमको जो आरोपी के पास तब तक हमारे पहुंचने की स्थिति बनी तो आरोपियों ने बच्चे को छोड़ के भाग गए। हमको केवल घेराबंदी के बाद हमको 9 बजे के आसपास बच्चा मिल गया, सुरक्षित मिला है बच्चा, और बच्चे से पूरी सघन पूछताछ करने के बाद में पूरे घटनाक्रम की अच्छे से विवेचना हमारे एडिशन्स की हैं उनका और SDOP निरंजन राजपूत पौरी और थाना प्रभारी राजेंद्र शर्मा और कई हमारे थाने के ADK और साइबर सेल के लोगों ने जो पूछताछ की इसमें ये कहानी आई कि 3 आरोपी इसमें पाए गए हैं जिन्होंने 2 महीने पहले से इस बच्चे के घर पे काफ़ी जमीन जायदाद वगैरह है तो उन्होंने करीबन 15 लाख के हिसाब से इस बच्चे की फिरौती के लिए पैसा लेने के लिए इसका अपहरण किया था। और क्योंकि उनको ये लगा थोड़ी देर बाद कि पुलिस लगातार वॉच कर रही है और कहीं ना कहीं उनको वहाँ पर रहने में उनकी तरफ ही बढ़ता जा रहा है मामला, ये छोड़ के भाग गए थे। तीनों आरोपियों को पकड़ लिया है, उनके द्वारा जो फ़ोन इस्तेमाल किया गया था वो हमने रद्द किया है। इसमें ये भी पाया गया कि फर्जी सिम जो दूसरे के नाम से थी उसको डिलीबरेटली इन्होंने 2 महीने पहले चालू करवा के उससे ये कोशिश की थी ताकि इनका नाम का पता नहीं लगे और इसमें लगातार ये आपस में भी तीनों आरोपी बात कर रहे थे और वॉच कर रहे थे, लेकिन जब गांव में काफ़ी दबाव बना तो जो दूसरा आरोपी था वो इसमें सहम गया कि उसको कार्रवाई हो जाएगी, पकड़ा जाएंगे, तो वो छोड़ के भगा है, तो एक आरोपी जो आखिरी था इसने भी इसको छोड़ा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।